ऐसी क्या सीक्रेट रेसिपी रहती है बाजार के सांभर में जो इतना स्वादिष्ट लगता है कि हम छोड़ते ही नहीं हैं, और क्यों हम घर पर बाजार जैसी नारियल चटनी नहीं बना पाते हैं। आज मैं घर पर ही बनाऊंगी स्वादिष्ट सांभर, नारियल चटनी और साथ में क्रिस्पी मसाला डोसा। डोसा बनाने के लिए मैंने लगभग एक कटोरी अरहर की दाल को लगभग 20 से 25 मिनट पानी में भिगो कर रखा है। फिर हम लेंगे थोड़ी सी इमली और इसको भी 20 से 25 मिनट भिगो कर रख देंगे। सांभर में डालने वाली सब्जियों के लिए मैंने लिया है टमाटर, प्याज और थोड़ी मिक्स वेजिटेबल्स जैसे लौकी, बीन्स और कद्दू। लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और भीगी हुई दाल में सारा मिक्स वेजिटेबल डालकर थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी डालकर कुकर को बंद कर देंगे और एक सीटी आने के बाद कुकर को साइड में रख देंगे। चलिए अब तैयार करते हैं सांभर का तड़का, जिसमें मैंने ली है आधा चम्मच राई, साथ में कुछ करी पत्ते और अब हम थोड़ी सी प्याज और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही प्याज हल्की सी भुन जाए इसमें हम टमाटर डालेंगे और इनको अच्छे से गर्म होने के लिए ढक कर रख देंगे। प्याज और टमाटर काफी गल चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे लगभग एक चम्मच सांभर मसाला, आधा चम्मच देगी मिर्च, चुटकी भर हींग और स्वाद अनुसार नमक। अब हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मसाला भूनने के बाद हम भीगे हुए इमली के पानी को एक छलनी की मदद से छानकर इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला अब तैयार हो चुका है, अब हम इसमें जो दाल हमने बॉईल की थी इसको मिक्स कर देंगे और करछी की मदद से मसालों को और दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको ढक कर रख देंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाए हम इसमें डालेंगे लगभग 2 डली गुड़ की, जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही शानदार हो जाएगा। यह एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसे हर कोई नहीं बताता है, और जैसे ही सांभर में एक उबाल आ जाए तो हम अपना छौंक तैयार कर लेंगे। इसमें एक छौंक वाले पैन में लगभग 2 चम्मच घी डालकर सबसे पहले एक लाल मिर्च डालेंगे और जैसे ही मिर्च भुन जाए हल्का सा राई का तड़का लगाएंगे और साथ में डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता, आधा चम्मच देगी मिर्च और इसको हम अच्छे से गर्म होने के बाद अपने उबलते हुए सांभर में मिक्स करेंगे। और लीजिए हमारा सांभर बनकर तैयार हो चुका है। हमने मिक्सी में गोला, स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको ग्राइंड करेंगे। हल्का सा ग्राइंड करने के बाद उसमें पानी डालकर इसको दोबारा ग्राइंड करेंगे और हमारे नारियल का पेस्ट बनकर तैयार है। लेकिन अभी चटनी बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है क्योंकि इसमें अभी तड़का लगाना बाकी है। तड़के के लिए एक तड़का पैन में लगभग 1.5 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म होने पर आधी चम्मच राई, एक साबुत लाल मिर्च और थोड़े से करी पत्ते को डालकर भूनने के बाद इसको हम अपने नारियल पेस्ट में मिक्स करेंगे। अब हमारी चटनी फाइनली बनकर तैयार है, बाजार जैसी बिल्कुल स्वादिष्ट नारियल चटनी। अब हम डोसा बनाने के लिए मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हमने एक पैन में रिफाइंड गरम किया है और उसमें राई, करी पत्ता, प्याज का तड़का लगाया और उसको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इनको अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें बॉईल की हुई मटर डाली है, अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच मिर्च और सांभर मसाला और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बॉईल किए हुए पोटैटो को
अपने हाथों से मिक्स करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी कलछी की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है और ये हमारा मसाले डोसे का मसाला तैयार है। डोसे का पेस्ट हमने रेडीमेड बाजार से मंगाया था और हमने तवे को हल्का सा पानी छिड़क कर साफ किया है ताकि तवा एक नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाए। अब कलछी की मदद से डोसे के पेस्ट को अच्छे से फैला लेंगे। जैसे ही हमारा डोसा नीचे से सिक जाए हम उस पर मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। नीचे तैयार है हमारा डोसा, सांभर और नारियल की चटनी। खाइए और एंजॉय कीजिए।